हेलो। तो गाइज यार कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज अभी मैं नहाने घुसा था और पानी ही नहीं आ रहा, लेकिन हमें टेंशन लेने की गाइज कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये स्विमिंग पूल इसीलिए तो हमने खरीदा था। और भाई मैंने कल न्यूज़ सुनी थी कि लॉस सैंटोस में शायद सुनामी आएगा, लेकिन भाई अभी यहाँ पे तो पानी नहीं आ रहा, सुनामी दूर दूर तक कहीं भी नहीं आएगा अभी तक। तो अब बाकी शिनचैन पिनचैन को देखते हैं कि क्या करें। और चॉप कैसा है अबे तू? अरे यार फ्रैंकलिन, मैं तो ठीक हूँ, तू सुना भाई कैसा है तू? अरे यार मैं भी ठीक हूँ, चला बाहर चलें। अरे नहीं यार, मेरा अभी मूड नहीं बन रहा, मैं सिर्फ ऊपर जाना चाह रहा हूँ। अरे ऊपर क्या करेगा ये शिनचैन पिनचैन, सामने क्या कर रहे हैं जरा मैं देखता हूँ बाहर से जाके। ये फालतू में टीवी देखते रहते हैं हर वक्त गाइस, इनको और कोई काम नहीं है, ये अभी भी टीवी देख रहे होंगे। शर्त लगा लो मेरे से, ये देखो ये देखो, तुम लोग कार्टून देख रहे हो भाई, तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? अरे यार फ्रैंकलिन भैया अभी लगाया था, साथ ही आ गए हो। अरे यार फ्रैंकलिन, अभी टीवी लगाया था, आप आके कहने लग गए हो टीवी देखते रहते हैं। अरे यार एक कार्टून इस वक्त तुम लोग देख रहे हो, कुछ शर्म है आया तुम लोगों को? चलो मेरे साथ चलो। और आज हम लोगों ने वो वाला चैलेंज करना है, याद है तुम लोगों को कौन सा वाला भला? अरे कौन सा वाला? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया कौन सा वाला? अरे यार 100 करोड़ दूंगा मैं तुम लोगों को, और तुम लोगों ने खर्च करने हैं उन सब 100 करोड़ को। 100 करोड़ को सिर्फ 10 मिनट होंगे तुम लोगों के पास। अरे यार क्या बात कर रही हो, 100 करोड़ दोगे हमको? अरे हाँ यार, अब जल्दी से टीवी भी बंद करो और बाहर आओ मेरे साथ। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन भैया, अब चलो हम आते हैं। तो गाइस यार ये देखो, सारे के सारे पैसे भी मैं निकाल के अपने सेफ से यहाँ पे ले आया हूँ, शिनचैन पिनचैन, और ये सारे पैसे तुम लोगों के पास होंगे, और तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट हैं भाई, तुम लोगों ने जो करना है इस 10 मिनट के अंदर करो। अरे ठीक है यार फ्रैंकलिन, बस ये पैसे हमें दे दो। अरे हाँ ना फ्रैंकलिन भैया, ये पैसे हम लोग घर से लेके जा सकते हैं? अरे पागल, घर में ही तो पड़े हुए हैं, तूने इस्तेमाल करने हैं भाई 10 मिनट में। अरे यार फ्रैंकलिन भैया 10 मिनट तो बहुत कम है, 100 करोड़ कैसे हम खर्च करेंगे? अरे भाई वो मेरा मसला नहीं है, तुम लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अरे हाँ हम लोगों को एक्सेप्ट करना है, क्यों नहीं करना? अरे हाँ यार फ्रैंकलिन, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, चला गाड़ी में चलते हैं ना यार। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे गाड़ी वाले देखते हैं कि अपनी वाली गाड़ी में चले। भाई तुम लोगों को कहाँ जाना है मुझे जल्दी से बताओ, और तुम लोगों का टाइम अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर देना, और तुम लोग फिर भाई इधर ही घूमते रह जाओगे। अरे यार आ रहा हूँ ना, सब्र कर लो। ओके तो मुझे अभी बताओ कहाँ पे जाना है। अरे यार ये लॉस सैंटोस में ना बीच के पास एक बहुत बड़ा कार का शोरूम है, वहाँ पे ले जाओ। अरे देखो भाई ये रास्ते में जितना टाइम लगे ना गाइस, ये भी इनका काउंट होगा। अरे यार फ्रैंकलिन, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, ऐसे तो मत करो ना यार। अरे भाई मैं तो ऐसे करूँगा ही करूँगा भाई, मुझे अपने 100 करोड़ भी तो बचाने हैं। अरे यार ये तो बहुत गलत बात है गाइस, देख रहे हो फ्रैंकलिन भैया हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अरे हाँ ना गाइस, देखो अभी रास्ते का भी टाइम ये कैलकुलेट साथ ही कर रहे हैं, ये कैसा चैलेंज हुआ? अरे भाई ये तो ऐसे ही चैलेंज है, तुम लोगों को करना है तो बताओ, नहीं करना तो मैं वापस घर की तरफ मोड़ लेता हूँ। और पैसे उठा लिए थे तुम लोगों ने क्या? अरे हाँ यार हमने पैसे उठा लिए थे, और वैसे भी वो पैसे हम लोग बाद में भी दे सकते हैं, क्योंकि शोरूम वाला हमारा जानने वाला है। अरे यार बहुत ताल्लुका तुम लोगों ने बना ली है भाई लॉस सैंटोस में। अरे भाई ठोक दिया मेरी गाड़ी को, ठोक दिया। अभी जल्दी से भाई वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं तुम लोगों का कौन सा शोरूम है जहाँ पे भाई तुम लोग लेके जाना चाह रहे हो। तो गाइस इन्होंने यहाँ पे कहीं पे कहा है कि भाई यहाँ पे कहीं पे वो गाड़ियों की डीलरशिप है, और मुझे लग रहा है अरे भाई यार आज हर बंदा ही हम लोगों को ठोक रहा है, अजीब यार लॉस सैंटोस हुआ पड़े। अरे हाँ ना यार फ्रैंकलिन, यहाँ से अंदर मुड़ जाओ। अरे भाई साहब ये तो भाई पार्किंग है यहाँ पे, इसने क्यों खोल रखा है ये सारा का सारा गैराज? अरे भाई नया नया स्टार्टअप किया ना उन्होंने। अरे चलो यार उससे बात करते हैं जाके। अरे भाई ये है कौन? अरे ये मेरा जानने वाले फ्रैंकलिन भैया, इसी से तो हमने गाड़ियाँ लेनी है। अरे भाई तुम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, आगे 2.5 मिनट गुजर चुके हैं। अरे सर कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ भाई, देखिए क्या कह रहे हैं, जो जो चाहिए इनको वो दे और इनसे पैसे वैसे ले भाई। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे एक ये वाली गाड़ी चाहिए। अरे भाई साहब ये वाली गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है वाकई गाइस। और भाई साहब तुम लोगों को क्या चाहिए? और भाई मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए फ्रैंकलिन। कौन सी वाली भाई? ये वाइट वाली? अरे भाई वाइट वाली भी काफ़ी ज़्यादा सही है। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं भी ये येलो वाली गाड़ी एक ले लूँ। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन, हम तुम्हें कुछ नहीं लेके दे रहे, तुम अपने पैसों से लो। अरे भाई अपने पैसे से ही ले रहा हूँ, लेकिन भाई 100 करोड़ तो इन लोगों को दिए हुए हैं। अरे गाइस ले दो ना यार,
मुझे ये बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही है गाड़ी, ले दो ना यार शिनचैन पिनचैन। अरे नहीं नहीं हम कोई नहीं लेके दे रहे, अपने पैसों से लेना। अरे यार शिनचैन ले देना यार। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, आप मेरे पैसों से ये गाड़ी ले लो। अरे गाइस ये भूल ना बात। अरे भाई ये गाड़ियाँ कितने की है बताएगा? अरे सर ये गाड़ियाँ वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगी है, और सिर्फ लॉस सैंटोस में ये एक एक ही गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये डिस्काउंट दे सकता हूँ कि 10 करोड़ की आप लोगों को एक गाड़ी दे दूँ। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, 10 करोड़ की शिनचैन पिनचैन एक गाड़ी? ओ भाई ये तो सारे पैसे तुम लोग यहीं पर खर्च कर दोगे। अरे यार क्या हो गया, 10 करोड़ हमारे पास है ना। अरे भाई यानी कि अभी 30 करोड़ यहाँ पे हम लोगों को देने पड़ेंगे गाइस। और भाई चौप के लिए नहीं गाड़ी लेनी? अरे यार चौप के लिए भी गाड़ी ले लेते हैं, ये वाली। अरे भाई ये वाली गाड़ी कितने की है? कौन सी सर? अरे ये वाली। अरे सर ये तो कॉन्सेप्ट कार है और ये अभी बिल्कुल एक ही रिलीज हुई है, तो ये आप लोगों को कुछ 8 करोड़ की मिल जाएगी। अरे भाई बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ हैं भाई। तो अभी गाइस ये वाली सारी गाड़ियाँ तो हम लोगों ने ले ली हैं। और भाई तुझे हमारे घर का एड्रेस पता है ना? अरे हाँ सर मुझे पता है आप लोगों के घर का एड्रेस। तो भाई ये चारों की चारों गाड़ियाँ ना वहाँ पे पहुँचा दें और वहाँ से मेरे से तू आके पैसे ले लें। ये कितने पैसे हो गए इन सब के? सर सिर्फ और सिर्फ 38 करोड़ आप लोगों को देने हैं मुझे, और बाकी ये गाड़ियाँ आप लोगों की हो जाएंगी। अरे यार 38 करोड़ तो गाइस इन्होंने यहीं पर लगा दिए। भाई 2 करोड़ की कोई और चीज़ ले लो ताकि वो यहीं पर पैसे पूरे हो जाएं। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन भैया, हम लोग जाएंगे अब समुंदर पे और वहाँ पे जाके कुछ और मैंने ख़रीदना है, सारे पैसे यहाँ पे थोड़ी लगा सकता हूँ। अरे ठीक है भाई जहाँ पे तुम लोगों को लगाने हैं लगाओ, मेरा क्या है। तो भाई अभी जल्दी से ना वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं इन लोगों को बीच पे क्या ही ख़रीदना है भाई। तो गाइस यार अभी ये लोग मुझे बीच पे ले आए हैं और मुझे बता नहीं रहे कि भाई यहाँ पे करने हम लोग क्या आए हैं। अरे यार फ्रैंकलिन आप चलो तो सही बता देते हैं क्या करने आए हैं। अरे भाई साहब यहाँ पे तो कतई बोट्स ही बोट्स खड़ी हुई हैं भाई। और भाई ये क्या चीज़ है भाई, ये तो मैंने पहले देखी नहीं लॉस सैंटोस में। अरे हाँ ना फ्रैंकलिन भैया ये हमने स्पेशल मंगवाई थी। अरे भाई ये तुम लोगों ने कब मंगवाई? अरे हाँ ना जब हम लोग वो शोरूम पे खड़े थे तो मैंने कॉल की थी। अरे लेकिन कॉल किसको की थी भाई तूने? अरे ये सामने बंदा खड़ा है ना, यही तो है वो बंदा जिसकी ये सारी की सारी शिप्स हैं। अच्छा भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये लाइटें क्यों मार रहा है सुबह सुबह? अरे भाई कैसा है भाई तू? अरे मैं ठीक हूँ, आप सुना आप कैसे हो सर? अरे मैं भी ठीक हूँ भाई, ये शिनचैन पिनचैन को जानता है क्या तू? अरे हाँ सर ये दोनों तो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। अरे भाई ये फालतू की बातें ना कर, अभी भाई शिनचैन पिनचैन क्या लेना है तुम लोगों को यहाँ से? अरे यार फ्रैंकलिन भैया हमें बोट चाहिए यहाँ से। अरे भाई बोट्स का तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग पानी में थोड़े रहते हो। लेकिन फ्रैंकलिन भैया वो कह रहे थे ना सुनामी आएगा। अरे भाई सुनामी अगर आएगा तो भाई हमारा घर तो बहुत ऊपर है, वहाँ तक नहीं आ पाएगा। लेकिन हमें एक्सप्लोर तो करना होगा ना लॉस सैंटोस को तब। अरे भाई पता नहीं ये क्या करते रहते हैं लौंडे। अभी जल्दी से तुम लोगों को जो लेना है वो लो, और मैं गाइस सोच रहा हूँ कि ये वाली चीज़ तो मुझे लेनी ही लेनी है। अरे नहीं नहीं ये तो मेरा है, ये मैं नहीं आपको दूंगा। अरे यार शिनचैन चल ठीक है भाई तू ले ले मैं ले लूँ, एक ही बात है। अभी से पैसे पूछते हैं। अरे ओ भैया। अरे हाँ सर। अरे भाई तू लाइट किस पे मार रहा है पहले मेरे को ये बता। अरे सर वो सारी बातें आप छोड़ें, आपको जो वाली शिप चाहिए आप बता दें मैं आपके घर पहुँचा दूँगा। अरे ये भी सही है भाई, हर बंदा घर पे डिलीवरी दे रहा है। भाई ये वाली शिप मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है भाई शिनचैन पिनचैन। ओए शिनचैन पिनचैन ये वाली शिप देखो ना कैसी लग रही है। अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, ये वाली शिप तो एक हम ले रहे हैं। अरे भाई उसे पूछ तो ले कितने की है। अरे यार बाद में पूछ लेंगे ना फ्रैंकलिन, अभी लेने तो दो ना। ठीक है भाई एक ये वाली शिप हो गई, और तुम लोगों को क्या लेना है? भाई ये वाली शिप तो लेनी ही लेनी है, तो 2 शिप तो ये होगी गाइस, और एक ये वाली शिप तुम लोग कह रहे थे ना। अरे हाँ यार ये वाली शिप भी। तो भाई 3 शिप्स हम लोगों ने टोटल लिए हैं, और भाई से पूछते हैं कि कितने की हम लोगों को ये पड़ेंगी। अरे ओ भैया सुनता है? ओ भाई। अरे हाँ सर बोले आपको क्या क्या शिप चाहिए, मतलब कौन कौन सी शिप चाहिए? अरे भाई ये एक तो ये बड़ी वाली चाहिए ये ऊपर जो है, एक वो पीछे जो है वो अंडरग्राउंड जाने वाली, अंडर वाटर जाने वाली भाई, अंडरग्राउंड नहीं। अरे हाँ ना फ्रैंकलिन आपको तो बोलना भी नहीं आता। अरे भाई ज़्यादा मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू बातें मत करो, अभी यहाँ पे तुम दोनों को ही पेल दूंगा। तो भाई कितने पैसे हो गए? एक उससे पीछे वाली शिप भी चाहिए वो बड़ी वाली जो है। अरे सर ज़्यादा पैसे नहीं हुए, यही कोई आपके बन जाएंगे कुछ 32 करोड़। अरे 32 करोड़ पागल हो गया क्या, गाड़ियों से ज़्यादा महंगी शिप्स दे रहा तू? अरे सर आपको लेनी है तो बताएं वरना मैं किसी और को दे दूंगा। अरे ठीक है यार बस घर पहुँचा दियो।
तो चलो फिर गाइज अभी जल्दी से पहुंचते हैं घर और देखते हैं भाई घर में ये सारे चीज़ें पहुंच गई हैं या नहीं। अरे नहीं नहीं अभी घर नहीं जाना, अभी टाइम पड़ा हुआ है हमारा, पूरे के पूरे 3 मिनट हैं भाई, अभी घर नहीं जा सकते हम फ्रैंकलिन। अरे भाई अब तुम लोगों को क्या लेना है भाई, इतनी महंगी चीज़ें हम लोगों ने ले तो ली हैं भाई, वहाँ पर 38 करोड़ की वो गाड़ियाँ और 32 करोड़ की ये, भाई कितने पैसे हो गए शिनचैन जल्दी बता। भाई 70 करोड़ शायद हो गए। अरे भाई तुम लोगों ने भाई 10 मिनट से पहले 70 करोड़ रुपया उड़ा दिया, वो भाई कितने आए आज हो तुम लोग। अरे गाइस देख रहे हो भाई इन्होंने 70 करोड़ रुपया उड़ा दिया, बिल्कुल पता भी नहीं चलने दिया। अभी जल्दी से तुम लोग बताओ कि कहाँ पे जाना है तुम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिनट है तुम लोगों के पास। अरे फ्रैंकलिन भैया आप चुप करोगे तो बताएंगे ना कुछ। अरे भाई जल्दी बोल, फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। अरे यार एक बहुत बड़ा मैंशन है। अरे मैंशन है तो क्या करें उसको, वो खरीदने हैं हम लोगों को। अरे भाई तुम लोग तो बाकी सारे पैसे इस्तेमाल कर दोगे। लेकिन यार चैलेंज आपने ही दिया था ना, अब ऐसे मत करो, जल्दी से हमें लेके जाओ वहाँ पे। अरे भाई ठीक है बताओ कहाँ पे जाना है, मैं वहाँ पे तुम लोगों को लेके जाता हूँ। तो ओके, तो गाइज यार अभी ये दोनों ना मुझे ले आए हैं भाई, यहाँ पे कोई मैंशन है शायद थे। अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ। अरे भाई क्या हो गया। अरे भाई अपनी राइट साइड पे देखो तो सही। अरे भाई ये क्या है, यहाँ पे एक दीवार है, थोड़े से पौधे हैं। अरे नहीं यार यही तो मैंशन है। अरे भाई ये मैंशन है। अरे भाई अंदर चल के देख लेते हैं भाई, इसमें कौन सी बात है। अरे हाँ ना फ्रैंकलिन भाई अंदर जल्दी से चलो, और जल्दी से जाके हम लोग इसको ख़रीदते हैं, हमारे पास 1 मिनट तो रह गया है पूरा का पूरा। अरे भाई साहब यहाँ पे तो गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। ओ भाई ये कौन है। अरे यही तो मालिक है। अरे भाई ये मालिक तो नहीं मकैनिक लग रहा है। अरे हाँ यार ये तो मकैनिक है, मालिक शायद ऊपर होगा, जल्दी से जाके उससे मिलते हैं और अपनी ये मैंशन खरीदते हैं पिंचैन, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अरे हाँ शिनचैन बहुत मज़ा आएगा, फ्रैंकलिन भैया के सारे पैसे हम लोगों ने खर्च करवा दिए, बहुत मज़ा आया भाई। अरे भाई तुम लोग बहुत ज़्यादा ख़राब हो, अभी मालिक से जाके मिलते हैं और पूछते हैं उससे वो कितने में ये मैंशन देगा। और भाई किसी के घर में ऐसे हम मुँह उठा के घुसते चले आ रहे हैं शिनचैन पिंचैन, तुम लोगों की वजह से मुझे भी भाई गालियाँ पड़ सकती हैं। अरे नहीं पड़ती, हम लोगों ने पहले ही सब कुछ बता दिया है। अरे भाई लेडी तू है क्या यहाँ की ओनर। अरे हाँ मैं हूँ यहाँ की ओनर, तुम्हें क्या चाहिए। अरे ये मैंशन खरीदना था, कितने का दोगी। अरे तुम्हारा मुंह लग तो नहीं रहा कि तुम मैंशन खरीद पाओगे, फिर भी तुम्हारे लिए मैं बता देती हूँ ये मैंशन 20 करोड़ का है। अरे भाई साहब 20 करोड़, 70 करोड़ वो और 20 करोड़ ये, यानी 90 करोड़। ओ भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रह जाएंगे हम लोगों के पास, गाइस क्या करें। लेकिन भाई अब शिनचैन पिनचैन को काव है तो भाई अब खरीदना तो पड़ेगा ही। अरे ठीक है भाई ये मैंशन हम लोगों को बेच दे तू, और तू अब यहाँ भग। अरे मैं भग जाऊँगी ना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैंने थोड़े बहुत काम करने हैं, उसके बाद ये मैंशन तुम लोग रख लेना। अरे ठीक, तो गाइस यार अभी 20 करोड़ उस आंटी को दे दिए हम लोगों ने, और भाई अब ये पूरा का पूरा मैंशन हम लोगों का है शिनचैन पिनचैन। अरे हम लोगों का नहीं, सिर्फ मेरा और शिनचैन का, आपका कहाँ से आ गया। अरे भाई ये क्या बात हुई। अरे यार एक तो पैसे भी मेरे सारे लग रहे हैं, और भाई ये देखो आगे से मेरे से बदमाशी भी कर रहे हैं गाइस ये लोग। अरे हाँ ना ये मैंशन हमारा है, आपका नहीं है भाई, फ्रैंकलिन निकलो यहाँ से। अरे भाई कितने ख़राब लोग हैं यार ये दोनों, मुझे कह रहे हैं यहाँ से मैं निकल जाऊँ। लेकिन हम भी आपके साथ आएंगे ना। अरे तुम लोग का तो ये मैंशन है ना, अब तुम मेरे साथ क्यों आओगे। अरे ये मैंशन हम लोगों ने अपने लिए नहीं खरीदा, ना ही वो बोर्ड्स हमने अपने लिए खरीदी थी। अरे भाई तो फिर किसके लिए खरीदी थी। तुम लोगों का तो अब टाइम भी ख़त्म हो गया, अब तो कुछ और ख़रीद भी नहीं सकते तुम लोग। अरे हाँ हम लोगों को पता है भाई। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने लिए नहीं ली, भाई किसके लिए ली हैं बता दो ना। अरे आप बाहर तो चलो, एक बंदे को हम लोगों ने बुलाया है और एक आंटी को, वो आपको बताएगी कि ये पेंशन हम लोगों ने किसके लिए लिया है। अरे भाई पता नहीं क्या करते रहते हैं तुम लोग, देखते हैं गाइस अभी इन लोगों ने किसको बुलाया और वो क्या कहेंगे। तो गाइस अभी ये दो लोग आए हैं यहाँ पे, और ये शिनचैन पिनचैन कह रहे हैं कि इनसे ही मिलवाना था इनको। अरे भाई ये दोनों कौन हैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया ये वही आंटी हैं जिन्होंने हमें छोटे होते हुए पाला था और आपके पास हमको छोड़ के गई थी। अरे भाई तू है वो आंटी। अरे भाई ये क्या आदाब मेरे गले में डाल के चली गई है। अरे यार फ्रैंकलिन ऐसे तो मत कहना यार। अरे हाँ ना फ्रैंकलिन भैया ऐसे तो मत कहो ना, ये आंटी बहुत अच्छी हैं। अरे बेटा मैं इनकी मेड थी, इनके घर वालों ने इनको छोड़ दिया था,
और जब तक तुमने इनको अडॉप्ट नहीं किया था, मैंने इनको अपने बच्चों की तरह पाला था। जैसे कि मेरा ये वाला बेटा है, ये कार मैकेनिक है। अरे भाई, ये कार मैकेनिक लग भी रहा है। रंटी, आप तो मेड लग नहीं रही, लेकिन हो अब तो क्या ही कह सकते हैं। तो शिनचैन पिनचैन इनको क्यों बुलाया भाई तुम लोगों ने यहाँ पे? अरे यार, ये मैंशन हम लोगों ने इनको देना है। अरे पागल हो गए हो क्या? 20 करोड़ का मैंशन इनको देना क्या? अरे हाँ ना, अरे हाँ ना फ्रैंकलिन भैया, इन्होंने बचपन में हमारा इतना ख्याल रखा है, तो अब ये पूरा का पूरा मैंशन इनका हुआ। अरे भाई, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? अरे भाई, तुम लोग इतने अच्छे कैसे बन गए? अरे बस बन गए ना, अब ये हमारी आंटी हैं और इनका ये मैंशन हो गया है। अरे आंटी जी, सुन रही हो? ये मैंशन अब से तुम्हारा है भाई, पूरा का पूरा। अरे क्या बात कर रही हो, ये पूरा का पूरा मैंशन मेरा है। अरे बच्चों, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, आज से मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार पाऊँगी अपने बेटे के साथ। और शिंक्षन पिंक्षन और तो कुछ नहीं देना ना भाई इनको? अरे नहीं नहीं यार, तो भाई वो बोट इनके लिए खरीदी थी क्या तूने? अरे नहीं यार, इनके लिए थोड़ी खरीदी थी, इनके लिए तो हमने ये मैंशन जब खरीद लिया तो फिर बोट्स का ही करनी है इन लोगों ने। ठीक है, फिर बोट्स किसके लिए खरीदी हैं वो भी बताओ मुझे। अरे चलो तो सही है, आप मैं बताता हूँ आपको। अरे भाई, ये लोग बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, इसलिए इनको पेल दिया भाई मैंने। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, ये आंटी अंदर नहीं जा रही भाई। अरे चली जाएंगी ना यार फ्रैंकलिन भैया, उनकी मर्ज़ी है, वो छोड़ दो उनको अब उनके हाल पे। ठीक है भाई, वो चली जाएं अपनी मर्ज़ी से। तो गाइस, अभी देखते हैं बोर्ड से भाई हम लोगों को किसको ही देनी है, और ये फालतू में ये काम करवा रहे हैं शिनचैन पिनचैन। तो गाइस यार, अभी ये बीच पे दोबारा से ले आए हैं भाई, तो पहले ही इन्होंने जो काम करना था ये कर लेते। अरे भाई साहब, ये तो अपनी बोर्ड्स ही है ना यार गाइस? अरे हाँ यार फ्रैंकलिन, अपनी ही बोर्ड्स हैं। और ये लोग कौन है भाई? ये लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं भाई? यहाँ पे टेंट वेंट भी लगा रखे हैं इन्होंने, ये क्या कर रहे हैं? अरे यार फ्रैंकलिन, उतरो तो सही, बताते हैं हम आपको। अरे हाँ ना फ्रैंकलिन भैया, उतरो तो सही, हम आपको मिलवाते हैं इन लोगों से। अरे भाई, ये कौन लोग हैं? अरे बेटा, मैं तो एक मछुआरा हूँ और ये सारे मेरे बच्चे हैं। अरे भाई, इतने सारे बच्चे? इतने बूढ़े बूढ़े भी तेरे बच्चे हैं भाई? अरे नहीं बेटा, ये तो मेरे पार्टनर्स हैं, हम मिलके मछुआरा गिरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं। तो भाई शिनचैन पिनचैन इनको क्यों बुलाया भाई तुम लोगों ने? अरे यार फ्रैंकलिन भैया, हमने सोचा ये इतना मेहनत करते हैं, तो इनके लिए क्यों ना ये बोर्ड्स खरीद ली जाए। अरे भाई, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इतनी महंगी बोर्ड्स हम लोगों ने खरीदी हैं, और तीसरी बोट है कहाँ पे? अरे यार, वो हमने अपने लिए खरीदी है ना, वो तो अंडर वाटर वाली है, वो इनका क्या करेंगे। अरे भाई, फिर भी भाई दो बोट्स पूरी की पूरी तुम लोगों ने उठा के दे दी, 32 करोड़ की मिली थी हमें ये बोट्स। और भाई, एक बोट अगर निकाल भी दो तो फिर भी 20 से 25 करोड़ की बोट्स इनको दे रहे हो भाई, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे बेटा, क्या कहा तुमने, ये बोट्स हमारे लिए हैं, ये कितने अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। अरे यार, अब तो मैं मना भी नहीं कर सकता, तुम लोग पहले नहीं बता सकते थे मुझे? अरे यार, पहले बता देते तो आप फ्रैंकलिन भैया हमें डांटते और हमें कहते कि भाई कि नहीं, आपने नहीं करना है ऐसे। अरे भाई, ये अभी क्यों लड़ने लग गया आपसे? अरे भैया, ये क्यों ही लड़ा फ्रैंकलिन भैया आपसे? अरे भाई, मुझे क्या पता, तुम लोग बचाते भी नहीं हो यार, चौप होता तो अभी इसका काम तमाम कर देता। अरे बेटा, मत लड़ो इन लोगों से, ये बहुत बदमाश लोग हैं, हमें भी तंग करते हैं। अरे बूढ़ों को तंग करते हो, मछुआरों को तंग करते हो, शर्म नहीं आती? इधर शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमें ये बोट्स दी, अब हम अच्छा अच्छा काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ के ला पाएंगे। अरे हाँ ना यार फ्रैंकलिन, इनके लिए कितना अच्छा हो गया ना। अरे हाँ ना फ्रैंकलिन भैया, कितना अच्छा हो गया, ये लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, और हमने अपना काम भी कर लिया और हमने अपना चैलेंज भी पूरा कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ बचे हैं अब आपके पास। अरे भाई, ठीक है भाई, अभी क्या ही कर सकते हैं गाइस। और अब घर पहुंचते हैं और घर जाके देखते हैं भाई जो अपनी हमने गाड़ियां मंगवाई थी। भाई गाड़ियां तो किसी को नहीं देनी ना? अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन भैया, गाड़ियां किसको देनी है हमने भला, वो तो अपने लिए ली है ना हमने। अरे हाँ ना फ्रैंकलिन, अब इतने भी अच्छे नहीं है कि सारा कुछ ही बांट दें। अच्छा भाई चलो, शुक्र है कुछ तो अपने लिए खरीदा, उसमें से एक गाड़ी मेरी है, एक चॉप की है, और ओ भाई, अरे भैया
सॉरी यार अंकल जी, आप बीच में ही आ गए। तो गाइस अभी जल्दी से घर पहुंचते हैं और घर जाके देखते हैं अपनी गाड़ियां आ गई हैं या फिर अभी तक नहीं आई। तो गाइस यार अभी हम लोग घर के पास पहुंच चुके हैं और भाई मुझे तो अपनी गाड़ियां नज़र भी आ रही हैं। ये छिंचन पिंचन तुम लोग देख रहे हो क्या? अरे हाँ यार, ये तो अपनी गाड़ियां ही हैं, फाइनली घर के बाहर आ गई। अरे हाँ ना फ्रैंकलिन भैया, ये तो अपनी ही गाड़ियां हैं। ओ कितनी ज़्यादा कमाल लग रही है अपने घर के बाहर। और अपनी गाड़ी को साइड पे किसने लगाया? अरे भाई ये तो मुझे भी नहीं पता, अभी पहले ये वाली गाड़ी मैं अपनी खड़ी कर लूँ, उसके बाद देखते हैं। भाई साहब यहाँ पे ये देखो, ये गाड़ियाँ कैसे लगा के चले गए हैं। अरे भाई ये देखो, ये अपनी सबमरीन है, ये भाई अपनी वो वाली गाड़ी है, और ये भाई उसके साथ वाली गाड़ी है, और भाई वो फ्यूचरिस्टिक गाड़ी, ये भाई मुझे सबसे ज़्यादा कमाल की ये वाली गाड़ी लगती है, ये वाली गाड़ी जो है। ओ भाई साहब कितनी ज़्यादा कमाल की गाड़ी, ये सारी की सारी गाड़ी हैं। और भाई साहब इनके पैसे भी काफ़ी ज़्यादा ही तगड़े हम लोगों ने दिए हैं। तो अभी जल्दी से मैं ऐसे करता हूँ कि भाई इसकी राइड एक दफ़ा ले आऊँ छिंचन पिंचन। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी गाड़ी है फ्रैंकलिन भैया, ऐसे नहीं कर सकते आप। अरे हाँ ना फ्रैंकलिन, अपनी गाड़ी में बैठ गया के हमारी गाड़ी में क्यों बैठ रहे? अरे यार तुम लोग कितने ज़्यादा ख़राब हो, मुझे गाड़ी में बैठने भी नहीं दे रहे गाइस, ये देख लो। अरे हाँ ना, पहले शिनचान जाएगा, फिर मैं जाऊँगा और फिर आप जाना। अच्छा यार ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो गाइस अभी मैं अपनी ये वाली गाड़ी चेक करने वाला हूँ जिस पे फ्रैंकलिन भैया अचानक से कब्जा करने लगे थे, और मैं इसको चेक करके देखता हूँ कि कितनी ज़्यादा कमाल की है। अरे यार ज़्यादा दूर मत जाइयो शिनचान। अरे नहीं जाता रे। अरे हाँ ना शिनचान, ज़्यादा दूर मत जाइए, जल्दी आइए, और तुझे गाड़ी भी नहीं सही से चलानी आती। ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है गाइस, ये देख रहे हो भाई, ये तो हैंडल भी नहीं हो रही मेरे से, और इतनी ज़्यादा तेज़ गाड़ी कौन लेके आता है? ओ मेरा तो एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसे। अरे मुझे तो लगता है मुझे घर जाके इसको दोबारा से खड़े कर देना चाहिए, इससे पहले कि भाई फ्रैंकलिन भैया आएँ और वो मुझे मारें, क्योंकि भाई सारा कुछ मैं तोड़ ही ना दूँ। इतनी महंगी गाड़ी है और भाई इसका मैंने क्या ही कर दिया है। अभी जाता हूँ और देखता हूँ कि उन लोगों को क्या ही कहना पड़ता है। अरे इतनी जल्दी आ भी गया? अरे हाँ ना यार, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज है, मेरे से तो चल ही नहीं रही पिंचन। अरे आराम से, फ्रैंकलिन को नीचे देगा क्या? अरे नहीं नहीं पिंचन भैया, अब आप जाओ जाके देखो कि कैसी गाड़ी आपकी है। अच्छा ठीक है, मैं जाके अब देखता हूँ। तो अभी गाइस मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया हूँ, और मेरी गाड़ी देखो तो सही, एक दफ़ा लुक तो देखो मेरे से मैच करती है भाई, और पीछे मैक्लारेन लिखा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की गाड़ी तो है। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और इसकी ब्रेक भी सही से काम नहीं कर रही। अरे ठोक दिया, अरे ठोक दिया, मेरी नई गाड़ी को ठोक दिया। अरे फ्रैंकलिन और शिनचान कहेंगे कि अरे फिर से तोड़ दिया, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। अरे नहीं, मुझे ये गाड़ी अब सही करनी पड़ेगी, लेकिन अभी इसका थोड़ा मज़ा तो ले लूँ, उसके बाद जाता हूँ इन दोनों के पास। अब गाड़ी तो टूट ही चुकी है, तो क्या ही कर सकती है। अरे भाई ध्यान से चलना, एक्सीडेंट करवा के अपना भी सिर तोड़ लिया है। अरे नहीं, अरे मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती, शिनचान फ्रैंकलिन सही कहते हैं, मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अरे कितना नुकसान हो गया अभी मेरा। अरे हाँ भाई पिंचन, तू वापस आ गया रे इतनी जल्दी, और तेरी गाड़ी का शीशा कहाँ पे गया, और ये आगे से टेढ़ी कैसे हो गई तेरी गाड़ी? अरे भाई अभी नई नई गाड़ी लेके आए थे, तूने तोड़ भी ली। अरे यार बस एक्सीडेंट हो गया ना, इसको अब क्या करेंगे हम? अरे भाई क्या करना है, अब इसको सही करवाना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं भाई हम। अरे यार सही करवा के दो ना फ्रैंकलिन। अरे भाई मैं अभी फालतू में सही नहीं करवा रहा, शिनचान कहना यार फ्रैंकलिन को। अरे फ्रैंकलिन भैया ऐसे तो मत करो ना। अरे भाई अगली वीडियो में देखेंगे कि भाई तुम लोगों की गाड़ियां सही करवानी है या नहीं करवानी। बाकी गाइस आज की वीडियो तक के लिए रखते हैं इतना ही, और पिंचन ने भाई अपनी गाड़ी तोड़ ली है, शिनचान ने भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस वक्रैचेस डाल दिए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अभी भी इसकी गाड़ी सही हालत में है, बस साइड से थोड़ी सी ख़राब हो गई है, और पिंचन अभी भाई थोड़ा सा परेशान हो गया, लेकिन अगली वीडियो में इसकी परेशानी दूर कर देंगे हम। तो आज की वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही, होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को मज़ा भी आएगा। क्यों शिनचान पिंचन, तुम लोगों को मज़ा आया क्या? अरे हाँ यार हमको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अरे हाँ ना फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया, और ये वाली सबमरीन हम कब चलाएंगे?
अरे यार वो सुनामी आने की भाई इन्फॉर्मेशन है, तो सुनामी अगर आया तो फिर इसको ज़रूर से हम चलाएंगे। अरे ठीक है यार फ्रैंकलिन, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे दोबारा देखने के लिए और चिंचन को दोबारा देखने के लिए आप लोग वीडियोस पे बने रहना। और हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।